हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट का पार्ट थ्री। इससे पहले बेटा दो पार्ट हो गए हैं, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था क्या, उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एसिड्स के बारे में। तो एसिड क्या है, उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वहाँ पे जो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पूरा वीडियो को देखा करो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। बहुत सारे बच्चे वीडियो को कट कर करके देखते हैं, आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, तो बेटा उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स अगर आपके मिस होंगे तो उससे आपको फिर जो कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए बेटा पूरी वीडियो को देखा करो, ठीक है। ये मतलब अच्छे से वीडियो को देखो, ऐसे देखो दोबारा आपको उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एसिड के बारे में देखो, आप सबको पता है बेटा, पहले हमारी जो साइंस थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, तो हमारे पास बहुत कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे। तो इस वजह से क्या हुआ, एसिड के बारे में जो हमें नॉलेज, जो आज की डेट में है, उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जो साइंटिस्ट थे उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि भाई एसिड क्या है, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है सब्सटेंस, विच हैव सोर टेस्ट। मतलब इनका मानना था कि भाई एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट, जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, एंड एसिड चेंजेस कलर ऑफ ब्लू टू रेड। और साथ ही साथ बेटा एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में भी कन्वर्ट करते हैं। मतलब पहले का जो कॉन्सेप्ट था उनके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई एसिड हमारे वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दें, या तो फिर जब उनको टेस्ट किया जाए तो वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं। सोर मीन्स खट्टा, टेस्ट में कैसा होता है, खट्टे होते हैं। सम ऑफ कॉमन फ्रूट्स सच एज रो मैंगोज हो गए, ठीक है, रो ग्रेप्स हो गए, लेमन, ऑरेंज, टेमाराइन आर सोर इन टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दैम। तो इन सब में बेटा एसिड होने की वजह से, इन इनमें, ठीक है, ये टेस्ट में कैसे थे, खट्टे थे, ठीक है। तो ये पहले का कॉन्सेप्ट था जिसमें माना जाता था कि भाई किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बोलें कि वो एसिड है तो क्या होगा, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है तो क्या होगा बेटा, वो टेस्ट में खट्टा होगा और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले लेके चलते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेटा हमेशा अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि आप सभी को पता है बेटा कि अगर हम एसिड को टेस्ट करके देखेंगे तो कुछ हमारे ऐसे एसिड भी हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इन एसिड को टेस्ट कैसे करें, ठीक है, उनको टेस्ट तो कर नहीं सकते। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है, इसको चेंज करा गया। फिर एसिड के लिए अलग कॉन्सेप्ट दिया गया। एसिड के लिए जो अभी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है वो दिया था हमें अरियनस नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरियनस थ्योरी, अरियनस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था बेटा, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयोनाइज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। मतलब ये कहता था कि भाई कोई भी चीज अगर आपको पहचाननी है कि वो एसिड है, ठीक है, मतलब आपको मैंने कोई लिक्विड दिया, मान लो मैंने एक ग्लास में डाल के आपको एक लिक्विड दिया और मैंने बोला बेटा कि इसको बताओ ये एसिड कैसे है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई कोई भी सब्सटेंस अगर चेक करना है कि वो लिक्विड है, ठीक है, तो उसका एक्वस में डाला जाता है बेटा, एक्वस मतलब पानी में डाला जाएगा। अगर वो एच प्लस आयन, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही चीज है, अगर वो एच प्लस आयन दे, ठीक है, यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होने के बाद अगर वो एच प्लस आयन प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब वो एसिड है। तो अरियनस के अकॉर्डिंग क्या था, अरियनस थ्योरी, ध्यान रखना, अरियनस थ्योरी ने क्या बोला, जो अभी हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो यही थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या कहते हैं, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयोनाइज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। तो कह रहा है कि जो आयोनाइज होता है मतलब ब्रेक हो जाता है, जैसे HCl है, तो बेटा ये ब्रेक हो जाएगा देखो आगे जाके, ठीक है, जब हम इसको पानी में डालते हैं और प्रोड्यूस करता है एच प्लस आयन, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस हमारा एसिड है। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज एच प्लस आयन इन सॉल्यूशन, दे अटैच देमसेल्फ टू पोलर वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन।
मतलब इसका मतलब क्या बेटा, मैं आपको इसको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि भाई कोई एसिड है जैसे HCl है, तो इसको पानी में डाला जाएगा तो क्या होगा बेटा, ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में और Cl माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। बेटा ये एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस का मतलब है वाटर। अब देखो आप सभी को पता है बेटा, कोई भी हमारा सब्सटेंस है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो हमेशा रिएक्ट करता रहेगा। तो ये कहता है कि जो H प्लस होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है और H3O+ बना देता है। ठीक है, तो इस वजह से H3O+ बना देता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि हमेशा जब भी आप देखोगे सॉल्यूशन में, तो हम नॉर्मली ये वर्ड का यूज करते हैं कि भाई एसिड हमारे वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में क्या हो, एच प्लस आयन देगा। ठीक है, एच प्लस आयन दे वो हमारे क्या है, एसिड है। लेकिन एक्चुअल में हम बोलते हैं जो एच प्लस आयन होता है बेटा वो फ्रीली मूव नहीं करता, वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट होके वो H3O+ आयन बनाता है। तो इसका मतलब कई सारी बुक्स में आपको ऐसे दिखाई देगा, या तो आप एच प्लस एक्वस लिख दो, ठीक है, या फिर आप इसको H3O+ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन है वो H3O+ की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं कि भाई उसमें एच प्लस है या नहीं, तो बात एक ही है। हम अब एक ही मान के चलेंगे, अगर हम इस चैप्टर में बोलें एच प्लस और H3O+, तो इसका मतलब बेटा ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई एसिड के अंदर एच प्लस आयन है। ठीक है, क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना है, दोनों एक ही चीज है, नॉर्मली हम एक ही यूज करते हैं, बट एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एच प्लस जो होता है बेटा ये फ्री नहीं रह सकता, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो यही चीज यहां पर बोली थी, एक बार दोबारा देख लो बेटा इसको क्या कह रहा है। हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन एच प्लस आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता सॉल्यूशन में, इन अ सॉल्यूशन दे अटैच देमसेल्फ टू द पोलर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये पोलर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो जाता है। पोलर क्या होता है पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी थी, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड हमारे बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद एच प्लस आयन रिलीज करते हैं। अगर वो एच प्लस आयन रिलीज कर रहा है तो वो एसिड है, सिंपल। नेक्स्ट, इसके बाद है देखो यही चीज मैंने यहां दिखाई अभी, रिएक्शन आपको H+ H2 और H3O+ बना रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी लेंगे और उसके थ्रू कोशिश करेंगे समझने की एसिड को। कह रहा है एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। अच्छा मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, आप देखते हो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत फेमस है ये। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दो तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता कैसे है, देखो इस तरीके से बनता है। हम पहले क्या करते हैं, HCl गैस को लेते हैं, उसको पानी में डिप कराते हैं। ठीक है, तो फिर वो बनाती है हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मतलब अगर ये हमारा कोई वाटर है और यहां से हम क्या कर रहे हैं बेटा, गैस ले रहे हैं और इसके अंदर पास करवा रहे हैं, ठीक है, HCl गैस, तो ये क्या होगा, ये तब एसिड बनाता है। तो ध्यान रखना एसिड के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है, अगर वाटर नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होता। अब इस चीज को मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ, एक्टिविटी नंबर 2.9 हमारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है ये। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखो एक्टिविटी क्या कह रही है, कह रहा व्हाट हैपन व्हेन एसिड बेस को जब वाटर में डाला जाता है तो होता क्या। तो देखो पहले यहां पर इस रिएक्शन को समझेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे इन्होंने क्या करा, कह रहा टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एपरेटस एड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब NaCl लिया, ऊपर लिख देता हूँ, स्पेस कम है ना, यही लिख देता हूँ, NaCl लिया बेटा और इसमें क्या करा इन्होंने, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 डाल दिया। ठीक है बेटा, आप सबको पता है रिएक्शंस के लिए, ठीक है, आपको वैलेंसी आनी चाहिए बेटा, मैं हमेशा आपको कहता हूँ वैलेंसी जरूर ध्यान रखो, Na+ में डालो इसको Cl- में, इसे H+ में, इसे SO4 2- में, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ चला जाता है तो क्या बनता है बेटा, Na2SO4 और HCl। यहाँ पर HCl गैस निकलेगी, ध्यान रखना ये जो HCl गैस यहाँ से निकल रही है, देखो जैसे ही आपने इसमें डाला तो
तो यहां से क्या हुआ बेटा, ये HCl गैस निकल रही है, देख रहे हो बेटा यहां पर, समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको, यहां से देख रहे हो ये गैस ऊपर निकलेगी। तो अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहां पर वेट लिटमस पेपर को रखा, ब्लू लिटमस पेपर, वेट लिटमस पेपर को रखा, जो कि कन्वर्ट हो गया किसमें, रेड में। तो इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब यहां से जो, ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या है, एसिडिक गैस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्ट था। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटा अगर हमने ड्राई ड्राई लिटमस पेपर लिया होता तो क्या इसका कलर चेंज होता, तो हम बोलते बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहां से बेटा जो गैस है वो HCl गैस है, जब तक उसमें पानी नहीं होगा तब तक वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगी, ठीक है बेटा, जो HCl गैस है हमारी उसमें जब तक पानी नहीं होगा, जब तक वाटर नहीं होगा, तब तक वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये गैस है, यहाँ पर ये जो लिटमस पेपर कैसा लिया है, मॉइस्ट लिटमस पेपर यहाँ लिखा हुआ है, कैसा लिटमस पेपर है बेटा, ये मॉइस्ट लिटमस पेपर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी, ये एक्टिविटी यहाँ पर ये प्रूव कर रही है कि भाई अगर HCl है तो वो देखना पड़ेगा बेटा HCl जो है वो उसके अंदर वाटर है या नहीं। तो हम बोल सकते हैं बेटा कोई भी गैस है वो एसिडिक कैरेक्टर तब तक शो नहीं करेगी जब तक उसको वाटर ना मिले। अब मॉइस्ट लिटमस पेपर में क्या बेटा, वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, इस गैस को ब्रेक करेगा, HCl इसका बॉन्ड तोड़ेगा और H3O+ और Cl-, मैंने बताया था H+ या H3O+ एक ही चीज है, ठीक है। तो आई थिंक ये एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी क्या कहना चाह रही है, फिर भी देख लो, कह रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देर इज अ गैस कमिंग इन डिलीवरी ट्यूब, यस, कौन सी गैस आई बेटा, HCl गैस आई, कह रहा टेस्ट गैस इवोल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट लिटमस ब्लू पेपर, मतलब ब्लू लिटमस पेपर, आप दो पेपर ले लो, एक को गीला कर लो और एक को ड्राई रखो, तो दोनों में चेक करो कि कलर किस में चेंज होता है। तो आई थिंक अब आपको पता होगा कलर किस में चेंज होगा और क्यों होगा ये भी पता है, ठीक है। कहता है इन विच केस लिटमस पेपर चेंज कलर, तो किस केस में लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज किया। तो बेटा कोशिश करना कि ये सब एक्टिविटी आप अपने स्कूल में कर सको, ठीक है। देखो मैं आपको एक्टिविटी क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक्टिविटी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जो है एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देते और बहुत से स्कूलों में भी नहीं करवाते। तो बेटा बहुत जरूरी है आप अपने टीचर्स को बोलो कि हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब देखो बेटा ये सब सुनने में इतना मजा आ रहा है तो करने में कितना मजा आएगा, तो इसको खुद परफॉर्म करो जिससे आपको, देखो बेटा एक्टिविटी में क्यों बताने की, यहाँ पे मैं अपने चैप्टर्स में एक्टिविटी क्यों ला रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो रही है मुझे पता है, लेकिन जब तक आपको एक्टिविटी नहीं पता होगी तब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होती, तो इस वजह से एक्टिविटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्टिविटी का जब पोर्शन आता है तो वीडियो को स्किप कर देते हैं, बेटा सबसे बेस्ट जो तरीका है वो एक्टिविटी से ही समझने का, और उससे भी बेस्ट है जब आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हो। तो बेटा देखो जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे आपके सामने कलर चेंज होता हो दिखाई देगा ना, तो आप इस बात को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये फायदा होता है एक्टिविटी करने का, ठीक है। चलो अभी हम कह रहे थे कि कौन सा लिटमस पेपर जो होगा कलर चेंज करेगा, तो वेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ड्राई HCl गैस, HCl सॉल्यूट, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट एसिड एसिडिक करेक्टर, और ड्राई HCl गैस को आपको पता है एसिडिक करेक्टर शो नहीं करती, HCl सॉल्यूशन ये करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको वो दे रखा है, तो ये सब सब चीजें आप देख सक लो, देख लो HCl वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है H3O+ Cl-, तो ये तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो बेटा ये जो पॉइंट है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोबारा देखो क्या कह रहा है, एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वेस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया बेटा ये वाला पॉइंट, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है, कि क्लियर हुआ या नहीं। उसके बाद ये भी मुझे बताना बेटा, जब आप ये एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में कर लो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सर हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ठीक है। अगर आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट होते हैं या नहीं होते, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की, अगला जो टॉपिक है उस पर समझते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा था कंपाउंड सचेस, बेटा यहां पर ये सभी जो पॉइंट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। 100% तो नहीं कह सकता मैं, तो बोर्ड वाले अपने अकॉर्डिंग पेपर बनाते हैं, लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे जाते हैं चैप्टर से।
कह रहा द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, पहले एक ये क्वेश्चन की तरह आता है, इसे वीआईपी कर लो बेटा. वीआईपी है ये, वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा. वीआईपी जो होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब समझो बेटा ये पॉइंट क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH. एंड जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, C6H12O6. तो कहता है कि अल्कोहल एंड ग्लूकोल OH आएगा, अल्कोहल एंड ग्लूकोज इन सब में इन दोनों में देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये फिर भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते. मतलब बेटा हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, हाइड्रोजन होना जरूरी है, एच प्लस आयन प्रोड्यूस करना जरूरी है. तो क्वेश्चन ये कहता है कि भाई इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस फॉर्मूले में, लेकिन ये क्या है बेटा, ये क्या है, दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर. हम बोल सकते हैं दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा एग्जाम में, दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर. तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता बच्चों, ऐसा क्यों बेटा. देखो ये एसिडिक कैरेक्टर इस वजह से नहीं शो करता क्योंकि कंडीशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा तो उसको पानी में डिजोल्व होने के बाद एच प्लस आयन देना बहुत जरूरी है. यहां पर ये एच प्लस देता है, इस वजह से हम इसे एसिड बोल सकते हैं. ठीक है, SO3H+-, ठीक है, इसको हटाओ. ठीक है, लेकिन वही बात करें बेटा इसकी, अल्कोहल वाटर में डिजोल्व होने के बाद कोई एच प्लस आयन नहीं देता, नो एच प्लस आयन. सेम इसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि ग्लूकोज को भी जब पानी में डिजोल्व करते हो तो ये भी एच प्लस आयन नहीं देता, इस वजह से ये भी क्या है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता. अगर ग्लूकोज ऐसा कर जाए फिर तो बेटा हमारे पूरी बॉडी में एसिड ही एसिड बन जाए और हमारी डेथ हो जाए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आएगा. तो देखो एक बार दोबारा से इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं. कह रहा द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज अल्कोहल ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज, यहां से ध्यान देना, देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन. ठीक है, समझ आ गया बच्चों. ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं. ठीक है बेटा, समझ आ गया हो तो वीडियो लेक्चर को शेयर भी करते रहा करो अपने दोस्तों तक. ठीक है, मुझे वीडियो लेक्चर को पूरे इंडिया में हर एक बच्चे तक पहुंचाना है क्योंकि यहां मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस लेके आया हूँ. ठीक है, आपको मेरा साथ देना है. ठीक है, इसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है, जितने भी आपके दोस्त हैं बेटा, वहां तक फैलाओ और उनको भी बोलो आगे शेयर करें. ठीक है, ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंचे और हर बच्चा अपने घर में बैठ के पढ़ सके अगर उनके पास एक स्मार्टफोन या फिर ठीक है इंटरनेट है. नेक्स्ट, इसके बाद देखो आगे कह रहा है, इट इज क्लियर अ कॉमन थिंग इन ऑल एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. तो कह रहा है यहां से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि भाई कॉमन चीज मतलब सभी एसिड में देखो अलग अलग तरह के एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ऐसे कुछ एसिड होते हैं जो हमारे फूड में यूज होते हैं, एसिडिक एसिड है. ठीक है, तो ये सभी एसिड में कॉमन चीज देखने को क्या मिलेगी बेटा, इन ये सभी क्या करते हैं, एच प्लस आयन रिलीज करते हैं. क्या करते हैं बेटा, एच प्लस आयन रिलीज करते हैं जब हम इनको वाटर, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा. अब नोट के ये दो तीन पॉइंट है बेटा, इनको ध्यान से देखना. ठीक है, ये पूरा आज की जो क्लास है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी, इनमें से आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में. ठीक है, अगर नहीं लगता तो अपने एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा. नोट देखो, कह रहा है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड का है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल की वजह से वो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमें आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, आपने नहीं देखा तो बेटा आप मेरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उस पर जाके देख लो. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बाय राजू सर सर्च करो या फिर मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पर देखो इलेक्ट्रिसिटी है. तो इलेक्ट्रिसिटी में बेटा हमने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी सॉल्यूशन में, ध्यान देना बेटा, किसी भी सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है तो वहां पे आयंस का होना जरूरी है. ठीक है, किसी सॉल्यूशन से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है तो वहां पे उसमें आयंस का होना जरूरी है. अगर देखो मैंने इस सॉल्यूशन में क्या करा, बैटरी लगाई और इसमें करंट पास करवा दिया. ठीक है,
ठीक है, बैटरी यार चलो एक और लगा दो, ठीक है ये ड्राइंग मेरी थोड़ी खतरनाक है बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर हमें इस सॉल्यूशन में करंट पास करना है तो बेटा इस सॉल्यूशन को जरूरी है बहुत कि ये आयंस कंटेन करे, कोई भी आयन कंटेन करे, एच प्लस सी एल माइनस कुछ भी करे, एन ए प्लस कुछ भी करे, बट आयंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आयंस नहीं है किसी सॉल्यूशन में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। एक ये क्वेश्चन भी बनता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज, ठीक है जो हमने पढ़ा था बेटा कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल एंड ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा इन दोनों पे, अल्कोहल ग्लूकोज पे। एक ये क्वेश्चन बनेगा कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज है ठीक है ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते, एक ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के लिए। ठीक है नेक्स्ट, तो देखो इसमें कह रहा है डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन, तो डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन ठीक है इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। देखो बेटा पहले मैं इसको समझाने के लिए आपको डिस्टिल वाटर के बारे में बता देता हूँ। डिस्टिल वाटर कौन सा होता है बेटा, जो पानी हमारे एसी से निकलता है, हमारे इन्वर्टर की बैटरी में डलता है, मतलब बेटा वो वाटर जिसमें आयंस नहीं होते, ऐसा वाटर जिसमें नो आयंस हो। लेकिन जो हम पानी पीते हैं बेटा, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है, इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसमें आयंस मिनरल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत जरूरी भी है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है तो डिस्टिल्ड वाटर बेटा अलग वाटर है और जो ड्रिंकिंग वाटर है ये अलग वाटर है, ध्यान रखना। ठीक है ड्रिंकिंग वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं ठीक है, और जो डिस्टिल्ड वाटर है इसमें नो आयन, इसमें कोई आयन नहीं होगा। तो यही चीज बोली हुई है देखो यहाँ पे कि डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन इट। ऑन द अदर हैंड रेन वाटर कंडक्ट, रीजन ऑफ दिस, रेन वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीजन क्या है बेटा देखो, देखो मैंने आपको बोला कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब तुम बोलोगे सर इसका रीजन क्या है, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चे बोलेंगे सर इसका क्या रीजन है, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है। देखो रेन वाटर जो है बच्चों, रेन वाटर बारिश का, जब बारिश होती है, आज भी बारिश हो रही है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, ठीक है दिल्ली में फर्स्ट टाइम तो नहीं कह सकते, इस मानसून की फर्स्ट टाइम इतनी हैवी रेन हो रही है बाहर। ठीक है तो देखो होता क्या है, जब बारिश होती है तो हमारे एटमोसफेयर में आप सबको पता है बेटा कुछ गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बारिश का जो पानी है ना ये रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो ये वीक एसिड बना देता है कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। ठीक है ऐसे ही H2O+SO2 ये बना देता है बेटा सल्फरस एसिड, H2SO3। तो बेटा अब आपको पता है ये एसिड है तो क्या होगा, आयन रिलीज करेगा, ये सल्फरस एसिड बना देगा। अब बेटा एसिड है तो क्या करेगा, ये दोनों ही एसिड है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 एंड H2SO3, कुछ नहीं है बेटा बहुत इजी है रिएक्शन। तुम बोलोगे सर फॉर्मूला कैसे याद रखें, कुछ नहीं करना बेटा, H2O और CO2 दोनों को जोड़ दो, देखो H2 बीच में कार्बन, फिर ऑक्सीजन कितने यहाँ पे दो और यहाँ पे एक, थ्री, ऐसे ही इधर किया मैंने, दोनों को जोड़ दिया तो फॉर्मूला बन गया। अच्छा एक आपने ऐसे सुना होगा एसिड रेन, एसिड रेन के लिए जो गैसेज रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, याद है छोटी क्लास में पढ़ते थे एसिड रेन जो गैसेज हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि बेटा ये जब बारिश का पानी इन गैसेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिड बना देता है। ठीक है तो इस वजह से हमेशा आपको आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि बरसात की पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमोसफेयर में जब बना होता है, तो जब पहली बारिश होती है तो बारिश के साथ उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है तो उससे उसमें अगर आप नहाओगे तो उससे आपको इरिटेशन हो सकता है, ठीक है रैशेस हो सकते हैं, या कोई भी किसी को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को नहीं भी हो ये भी हो सकता है। तो कार्बोनिक एसिड जो है और सल्फरस एसिड की वजह से हम बोलते हैं कि जो रेन वाटर जो होती है वो एसिडिक होती है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा ये है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, तो बेटा यही हमें आंसर मिल चुका है, क्योंकि ये जो एसिड है H2CO3 बेटा ये क्या होगा, ये आगे जाके H2CO3 क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, सिंपल, कोई भी आयन दे तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो ही जाएगी, अभी मैंने आपको बताया। ऐसी H2SO3 ये क्या करेगा बेटा, H प्लस और SO3 माइनस। अच्छा दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक बेटा H2SO4 होता है, ये H2SO3 है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फरस एसिड है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां पर हमने क्या बोला, देखो हम बोल रहे हैं कि दोबारा पॉइंट देख लो बेटा पूरा, कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन इट। ऑन द अदर हैंड रेन वाटर कंडक्ट, रीजन ऑफ दिस, रेन वाटर कंडक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, वाइल रेन वाटर फॉलिंग ऑन द अर्थ थ्रू द एटमोसफेयर डिजोल्व एन एसिडिक गैस, एसिडिक गैस के साथ डिजोल्व हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन, तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, ऐसी SO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा बेटा, सल्फरस एसिड, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये मैंने आपकी NCERT से क्वेश्चन लिए, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर क्लास को ओवर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू HCl HNO3 एटसेट्रा शो कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट एसिडिक कैरेक्टर। तो ये चीज मैंने आपको डिस्कस कर ली है कि भाई HCl और HNO3 ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, बट ग्लूकोज अल्कोहल ये नहीं करता भाई, इसका रीजन क्या है। तो देखो कह रहा है डिसोसिएशन ऑफ HCl HNO3, डिसोसिएशन मतलब टूट जाता है, HCl क्या होता है बेटा, टूट के H प्लस और Cl माइनस में बन जाता है, ऐसी HNO3 ये भी एक एसिड है बेटा, ये भी टूट के H प्लस और NO3 माइनस बनाता है, ठीक है। तो कह रहा है फॉर्म हाइड्रोजन आयन ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कंबाइन विद वाटर, तो कह रहा है वाटर के साथ कंबाइन करते हैं और H3O+ आयन बनाते हैं इस वजह से, ठीक है। कह रहा ऑल दो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन, कह रहा अल्कोहल और ग्लूकोज सिर्फ हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है, दीज कैन नॉट डिसोसिएट वाटर, ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये ब्रेक नहीं होता और H प्लस आयन रिलीज नहीं करता, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कहता है वाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्वस सॉल्यूशन जो है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सेम रीजन, एसिड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस, दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अभी ये एक्टिविटी डिस्कस करी थी, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, तो कह रहा है जो ड्राई HCl गैस थी इसने लिटमस पेपर का, ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं किया था, देखो क्योंकि कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज बाय हाइड्रोजन आयंस, कह रहा है जो कलर चेंज होता है लिटमस पेपर का वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से होता है। ड्राई HCl गैस डू नॉट कंटेन H प्लस आयन, इट इज ओनली एक्वस सॉल्यूशन दैट एसिड डिसोसिएट बाय आयंस, सिंस दिस केस नाइदर HCl इज इन द एक्वस फॉर्म, तो कह रहा है HCl एक्वस फॉर्म में नहीं है, नॉर लिटमस पेपर इज वेट, तो ना ही HCl में वाटर है ना ही लिटमस पेपर में वाटर है, ठीक है, देयरफॉर द कलर ऑफ लिटमस पेपर डू नॉट चेंज, तो इस वजह से कहता है इसका कलर चेंज नहीं होता। तो बेटा मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, पहले पूरा टॉपिक फिर NCERT के इनटेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पूरा थ्योरी समझ आ जाए विद एक्टिविटी। बेटा NCERT की मैं आपको एक एक लाइन यहाँ पर दे रहा हूँ, बस आपको करना क्या है बेटा, रेगुलर क्लास देखनी है, अगर थोड़ा दिक्कत होती है तो बेटा वीडियो को दोबारा देख लिया करो, वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि उसमें पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, फिर आप लोग बोलते हैं यार समझ ही नहीं आ रहा, केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल है, बेटा एक एक पॉइंट को समझो, ठीक है, वीडियो अगर थोड़ा दिक्कत आती है वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है, वीडियो को दोबारा देखो आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है, या तो वीडियो के लिए इतना बेटर ऑप्शन है, आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो पूरा NCERT लाना यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बस पढ़ो, आप ये मत पूछा करो सर अगला वीडियो क्या आएगा क्या आएगा, बेटा मैं आपका 10th क्लास का पूरा सिलेबस ले आऊंगा, नेट की प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले, इसलिए मैं अब लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप तक पूरा सिलेबस पहुंचेगा, लेकिन आपको भी मेरी हेल्प करनी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को शेयर करो,
ठीक है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अपने फ्रेंड से भी करवाओ, और उनको भी बोलो कि अपने सारे सोशल मीडिया पे पहुंचा दो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एसिड के बारे में और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।